आप देख रहे हैं सीएबी इन्फोमेंट्री। दोस्तों, क्या आपने अपना यूपीआई अकाउंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है या फिर करेंट अकाउंट से लिंक किया हुआ है? बहुत सारी बार ये देखा गया है कि इस तरह के लोगों को जो यूपीआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। क्या इस पर जीएसटी भी लागू होगा? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे यूपीआई के बारे में, जिन सबको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो एक एक करके मैं बहुत सारी चीजें यूपीआई के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या लिमिट है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इसमें कवर्ड होते हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या चार्ज होगा, जो यूपीआई में आपको कैशबैक मिलता है उस पर क्या टैक्स लगेगा, अगर आप यूपीआई अपने फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव से लेते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से जो लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ई मित्रा, सीएससी दैट इज कंज्यूमर सर्विस सेंटर, या और दूसरे इस तरह के लोग जो कि मनी ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर क्या टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। और इसके अलावा जो शॉपकीपर्स हैं वो यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं, तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। यूपीआई, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, चाहे वो पेटीएम हो या फिर भीम ऐप, ये सारे के सारे यूपीआई के अंदर ही आते हैं। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का इस्तेमाल हमें क्यों करना पड़ा, इसको सरकार ने क्यों बढ़ावा दिया? दोस्तों, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है और ये अब हमारी हैबिट सी बन चुकी है। चाहे हमें कैशबैक लेना हो या रिवॉर्ड्स लेना हो या इंसेंटिव लेना हो या फिर किसी की हेल्प करना हो या फिर अपना बिजनेस करना हो, हर एक काम के लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है जब तक कि उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड ना रखें। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, और अगर कहीं पर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है तो वो आपसे टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं। और अगर आपने समय से अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं और पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है। तो देखिए, यूपीआई यानी कि जैसे हम एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं या फिर नेट बैंकिंग करते हैं या ई वॉलेट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये सब यूपीआई का ही पार्ट है। मोस्ट ऑफ द यूपीआई में 1,00,000 रुपए पर डे तक की लिमिट होती है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर यूपीआई के लिए कोई सेपरेट लिमिट नहीं डिफाइन की गई है। तो दोस्तों,
जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में आप 10 लाख कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। इसी तरह एफडी बनवाने की भी लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा एफडी बनवाने पर वो इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन ऐसी कोई भी लिमिट यूपीआई के केस में इनकम में नहीं दी गई है और न ही जीएसटी के अंदर दी गई है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कि यूपीआई के अंदर कवर्ड है। हम पैसा भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। हम बहुत तरह के ट्रांजेक्शंस करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस करते हैं, जिसका मतलब होता है अमाउंट रिसीव। इसका मतलब है कि ऐसे अमाउंट जो कि हमें हमारे अकाउंट में यूपीआई के थ्रू मिला है, तो ये हमें मिलता है अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल करा है, अगर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर हमने कोई लोन दिया था और वो वापस आता है, हमें किसी से गिफ्ट मिलती है या कोई आदमी हमारे लोन का रीपेमेंट करता है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए हमें इनकम टैक्स के सामने ये प्रूफ करना होता है कि ये गिफ्ट है या लोन का रीपेमेंट है या फिर हमारे प्रोडक्ट की सेल प्राइस है या फिर हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसके सर्विस चार्जेस हैं। इसके बाद डेबिट ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि पैसा आपके यूपीआई अकाउंट से गया है। जैसे हमने कोई खर्चा किया है, हमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया था या सर्विस ली थी उसका पेमेंट किया है, हमने किसी को लोन दिया है या हमने किसी से लोन लिया था उसका हमने रीपेमेंट किया है, तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जिन्हें मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया जो कि यूपीआई के थ्रू आप करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं जो कि आप यूपीआई के थ्रू करते होंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि किस अमाउंट के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्या इनकम टैक्स उन सारे अमाउंट पर लगेगा जो आपने अपने यूपीआई में रिसीव करे हैं, यानी के जो आपके यूपीआई अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, या फिर उन सारे अमाउंट्स पर लगेगा जो आपके यूपीआई अकाउंट से डेबिट हुए हैं, या फिर डेबिट और क्रेडिट के टोटल पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज आप क्लियर हो जाइए कि जो डेबिट साइड है आपके यूपीआई अकाउंट का, वो आपका खर्चा है, पेमेंट है, ना कि आपकी इनकम है। हाँ, आपके यूपीआई अकाउंट में जितना भी क्रेडिट आया है वो सारा का सारा आपकी इनकम मान ली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और आपको उस पूरे अमाउंट पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो आपने अपने किसी फ्रेंड से रिसीव किया है गिफ्ट के तौर पर, या आपको वो लोन के रूप में मिला है, या फिर वो आपकी सेल की प्रोसीड्स हैं, और या फिर वो आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की थी तो उसके लिए आपको सर्विस चार्जेस मिले हैं, अदरवाइज आपको जो भी सेल्स का अमाउंट मिला है उसमें से आपने उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो परचेस प्राइस पे करी है वो माइनस कर दी जाएगी, और उसमें से जो भी आपने उस पर चीज को परचेस करने के लिए या सेल को करने के लिए जो खर्चे किए हैं वो डिडक्ट करने के बाद
जो नेट प्रॉफिट निकलेगा सिर्फ उसी पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ उसी पर आपसे टैक्स चार्ज करेगा। इसी तरह से आपने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं किसी को तो उससे रिलेटेड आपको जो भी खर्चे हैं, चाहे टेलीफोन का खर्चा है या ऑफिस का खर्चा है या फिर उससे रिलेटेड दूसरे खर्चे हैं, वो माइनस करने के बाद जो भी नेट बचेगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो इनकम टैक्स है वो आपको अपने पूरे साल में जो भी इनकम हुई है उसके ऊपर देना पड़ेगा। अगर आपकी इस तरह से एक साल में इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी होगा। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है एक साल में तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी इनकम एक साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाय बाय।